The meritorious students of the Govt High School Baina outshined, as one student each from class 1 to 10 was felicitated with LIC Student of the Year Award 2022 for their extraordinary performance in scholastic as well as co-scholastic areas. The award ceremony was conducted on Saturday. Check this story. लेकिन आज बहुत अच्छा लगता है जब भी LIC बच्चों को भी फेलिसिटेट करता है, उनको मनोबल बढ़ाता है, उनको थोड़ा आगे लेके जाता है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव करता है। बोला तो सोशल कॉज में LIC भी, LIC इंश्योरेंस करने के लिए है, लेकिन उनको भी अभी मालूम पड़ गया, अभी ऐसा बहुत सा एजेंसीज है जो बिजनेस करते हैं, वो भी आगे आते हैं और सोशल वर्क करते हैं। और इसके लिए LIC को बहुत बहुत धन्यवाद। LIC को आप लोग सब लोग पसंद करते हैं। मैं पर्सनली और किसी के साथ इंश्योरेंस करना पसंद नहीं करता हूँ, इसलिए LIC मोस्टली मेरा अपना बहुत बड़ी पॉलिसी भी नहीं है। और ये लोग जब भी आपको अच्छा रिकॉग्नाइज करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई कॉरपोरेट ऐसा गवर्नमेंट का एजेंट आपको सपोर्ट करता है। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये जो आपको सपोर्ट करता है, अभी 10 बच्चा लोग को सपोर्ट किया, बाकी का जो लोग हैं वो भी उससे इंस्पिरेशन लेना मिलता है कि ये फर्स्ट आया है, तो आप भी थोड़ा ट्राई करके उसको, कंपटीशन नहीं लेकिन मैं भी फर्स्ट आएगा ये भी आपके मन में रहना मुझे। आज आपके साथ बहुत टीचर्स है, बहुत मन लगा के आपको पढ़ाते हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल भी अभी बहुत आगे गया है। प्राइवेट स्कूल के पास अगर बहुत सारा सिस्टम है और गवर्नमेंट के पास नहीं है, फिर भी रिजल्ट का हिसाब में देखने को है तो आप लोग बहुत ऊपर है। और परसों आप लोग असेंबली में भी बात किया है कि अगर कुछ भी ये होता है ना, हमारा क्लासरूम अच्छा करने का है, ई क्लासरूम करने का है, अभी ये नोटिस बोर्ड है, ये बोर्ड है, तो उसको डिजिटल बोर्ड अभी देने का सोचा है। तो मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि पहला प्रेफरेंस गवर्नमेंट स्कूल को ही मिलना चाहिए, प्राइवेट स्कूल को। और शायद जब ये स्टार्ट होगा, ई क्लासरूम स्टार्ट होगा, तो मेरा प्रयत्न रहेगा कि गवर्नमेंट स्कूल वास्तव में रहने दो, ये जो महीना में रहने दो, वास्तव में रहने दो, क्योंकि एडुकेशन का राइट सबको है और अच्छा एडुकेशन का राइट पहला गवर्नमेंट स्कूल से स्टार्ट होना होता है। दिस इज और वी हैव प्रपोज टू द गवर्नमेंट। तो आप लोग भी अच्छा मन लगा के सीखो, आप लोग भी अपना टीचर का भी नाम ऊपर निकालो, ये गवर्नमेंट स्कूल का नाम ऊपर निकालो और जितना हो सके मन लगा के पढ़ाई करो। हमारा इसमें एक दावत है, आप कुछ भी एक आदमी से निकाल सकता है, उसका पैसा निकाल सकता है, उसका उम्र निकाल सकता है, सब निकाल सकता है, लेकिन उसका एजुकेशन जो हम लोग सीखते हैं ना, वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए एजुकेशन सभी ने सीखना बहुत ज़रूरी है और आप लोग बहुत अच्छा सीखते हो, इसके लिए आपको फेलिसिटेट किया है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि अच्छा सीखो और अपना वास्तव का, अपना स्कूल का, अपना गाँव का और देश का नाम जो है, वो लोगों ने आप लोगों का स्कूल आइडेंटिफाई किया है। यहाँ पे बहुत स्कूल है, खूब स्कूल आलो ना, सेंट जोसेफ असा, माता स्कूल असा, आणि सेंट ब्रिज असा, खूप असा। गवर्नमेंट स्कूलाचे स्टूडंट त्यांना आवडले, तुमका कोण SSC पास जाता पण फर्स्ट रँक येतात, हाय रँक पर्सेंटेज येतात, त्यांना फेलिसिट करतात। फर्स्ट स्टँडर्ड, सेकंड स्टँडर्ड, थर्ड स्टँडर्ड, टेन्थ स्टँडर्ड पासून कोण करता पण त्या कोण आयडेंटिफाय करिना, कोण त्याला फेलिसिट करिना, कोण या हांव तुमच्या अप्रिशिएट करता तुमकां सगळ्यांनी, तुम्ही या भुरग्यांचे
जे मार्क्स घेता एप्रिसिएशन टोकन दिता कारण मात्र आनी उत्साह गावतलो पासिंग कहीं पड़ना ना तुमका सर बड़े करता अच्छी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल दाजी चलने गवर्नमेंट स्कूल एडॉप्ट करूँ सकता आनी जो प्रवेश करूँ सकता आनी एक समझ हमें समझना समझना कोई ना गवर्नमेंट इतने पैसे हेल्प करपा जाए गवर्नमेंट स्कूलान स्टूडेंट हाड़पा जाए थोड़े थोड़े पेरेंट्स के गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट धड़ना गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट स्कूल पेरेंट्स मोटिवेट कर आज संकल्प एम एल ए मालूम है ना संकल्प एम एल ए वो इलेवन ट्वेल्थ ये कॉलेज में पढ़ा है मालूम उन लोग को इलेवन ट्वेल्थ ये कॉलेज में पढ़ा है और आज एम एल ए बन गए तुमका सुधा खरी जाए जाए ना आता हेतु प्राइज दिता पे फर्स्ट सीट तैंका दिता थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स लास्ट मेजे ना तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इयर तुम्हें सग पैसे ट्राय करा आता पैसे ना पे पैले पट पैसे ट्राय करा एल आई सी जाए हाँ ये करपा हेल्प करता इवन राजेश सर हेल्प करता बारीकशे भूगें एडॉप्ट करा एल आई सी जीवन बीमा करती है अभी आप बच्चों यहाँ है आपके पिताजी आपकी माँ आपके काका काकी काम जॉब करते हैं ना और अगर उसको कुछ हो गया तो कैसे हो जाएगा घर कौन चलाएगा अगर कुछ नहीं अगर कुछ होता है तो ऐसे उसको पैसा देता है सपोर्ट करता है एक बात हो गई दूसरी बात आप अभी पढ़ते हो आपको अभी बड़ा हो गया डॉक्टर बनना है इंजीनियर बनना है किसी को टीचर बनना है ना ऐसा बहुत कुछ बनना किसी को इंजीनियर बनते हैं ना क्योंकि पढ़ने में पैसा लगता है लगता है ना पैसा फ्री भी मिलते हैं क्या पैसा बहुत लगता है ना इसे बहुत पढ़ना जरूरी होता है और पढ़ते से पैसा लगता है और पैसे का प्रयोग एल आई सी करती है अगर आपने आपके पिताजी ने आपके माँ ने अगर थोड़ा थोड़ा सेविंग के सड़क पर बचत मार दी बाद में क्या होता है जब आप बड़े हो जाएंगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा और पैसे से आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं अगर किसी बच्चे की है तो शादी भी कर सकते हैं कोई बिजनेस कर सकता है तो इसीलिए एल आई सी जरूरी है और अगर किसी को समझ कुछ हो गया अगर पिताजी का देहांत हो गया तो बाद में उसको भी पैसा मिलता है तो घर की रोजी रोटी चले समझ गए ना ये एल आई सी होता है अभी क्या है हमारे बहुत स्कीम है बच्चों के लिए जीवन ज्योति स्कीम है आप अभी पढ़ते हैं और अगर आपने आपके पिताजी ने अभी थोड़ा थोड़ा सेविंग किया तो महीने में 100 रुपये सेविंग किया 10 साल के बाद आपके 2 लाख रुपये मिलेंगे तो आपको क्या कि पढ़ाई हो जाएगी अच्छी तरह ऐसे बहुत स्कीम है मैं अश्विनी को बोलूँगा वो जो लिखनेज है सबको देना करके बाद में और आप बड़े हो गए आपको बिजनेस करना है डॉक्टर मतलब सबके लिए पॉलिसी हमारे पास है इसके बारे में वो आपके बारे में बताएंगे मेरा एक ही कहना है आप घर जाके अपने पिताजी को बोलो माँ को बोलो एल आई सी से मैनेजर आए थे और एल आई सी की पार्टी बोल रहे थे और सेकेंड थिंग एल आई सी की जो ट्रॉफी है तो हम अभी आप सबको दे रहे हैं जो जो बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो पहला है उसको दे रहे हैं क्या दे रहा है स्टूडेंट ऑफ द ईयर ट्रॉफी दे रहे हैं उसको उसके साथ हम सर्टिफिकेट भी दे दिए हम ऐसा एक क्या है जो टॉप है उसको मिलेगा बाकी के पढ़ाई नहीं की जा अब सब टॉपर है सब मन लगेगी पढ़ना लेकिन वो जो सबसे आगे आते उसको प्राइज मिलता है ना और दौड़ की मैच देते हैं ना सबको प्राइज मिलता है क्या जो पहले आगे उसको ही मिलता है ना जो पहले आगे कोशिश किया तो अच्छा रहेगा आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा तो फ्रेंड्स जाना After the pandemic, the gap of 2 years, they have slowed down. So your motivation will help them to go further ahead together. Thank you very much.
Yeah, thank you.